आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि एक हॉट एयर बलूनिस्ट है जो कि वर्टिकली ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 25 मीटर जब वो ऊपर चला जाता है ग्राउंड से, तो वो एक सैंड बैग रिलीज करता है। ठीक है, एंड आफ्टर इट इज रिलीज्ड, ठीक है, द सैंड बैग को छोड़ने के बाद सैंड बैग इज इन फ्री फॉल। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें ए वर्सेस टी ग्राफ, वी वर्सेस टी ग्राफ और पोजीशन वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करना है टेकिंग ओरिजिन एट ग्राउंड। ठीक है, सो आइए करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कैलकुलेशंस, तो आइए सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले एक चीज आप लोग ये करिए, रियलाइज करिए कि जो मोशन होगा ऑफ द बैग वो कुछ इस तरह का होगा। सपोज ये 25 मीटर्स पे जब रिलीज किया गया तो उस समय उसकी वेलोसिटी अपवर्ड्स थी, लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो वो बैग थोड़ी देर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एट मैक्सिमम हाइट उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। सो जीरो इक्वल्स 20 माइनस 10 टी, यहाँ से टी आती है 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये 2 सेकेंड्स लगेगा मैक्सिमम हाइट जाने में। और y क्या होगा, y इक्वल्स 25 प्लस 20 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन लिखा और यहाँ पे 25 ऐड इसलिए किया क्योंकि ये ऑलरेडी 25 मीटर्स की हाइट पे है। ठीक है, 25 मीटर्स की हाइट पे है, तो इससे हमें क्या मिलता है, 25 प्लस 20 इंटू 2 40 माइनस 20 विच इज 45 मीटर्स। यानी कि 25 से ऊपर और भी ये जाता है और ये फाइनली 45 मीटर्स को रीच करता है। ठीक है, और 45 मीटर्स जब रीच करता है तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है। सो माइनस 45 इक्वल्स हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, सो माइनस कैंसल, दिस इज 5 से कैंसल आउट होकर 9 और टी इक्वल्स 3 सेकेंड्स। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 + 3 सेकेंड्स, दैट इज 5 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमें 5 सेकेंड्स मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात, हमें अभी भी जब वो ग्राउंड स्ट्राइक करेगा, यानी कि v इक्वल्स u माइनस g इंटू t, तो इस इक्वेशन से हमें v क्या मिलेगा, u इज जीरो क्योंकि हम लोग मैक्सिमम हाइट से डाउनवर्ड देख रहे हैं, माइनस 10 इंटू 3, सो v इक्वल्स 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। ठीक है, सो नाउ अब हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, सबसे पहले एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये कुछ ऐसा होगा। सपोज दिस इज द पॉजिटिव ए एक्सिस, दिस इज नेगेटिव ए एक्सिस। ठीक है, ये टाइम एक्सिस, सो हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें मिल रही है जिसकी वैल्यू माइनस 10 है। ठीक है, वीटी कर्व जब देखेंगे, वीटी कर्व, तो हमें कैसा मिलेगा, लेट अस सी।
ये V और ये T, ठीक है? So, VT is, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, gravity is always downward and velocity, initial velocity was always upwards, ठीक है? So, यहाँ पे is 20 और चूंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज करेगी, ठीक है, डिक्रीज करेगी जीरो को होते हुए फिर डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है। और ये जो डाउनवर्ड वेलोसिटी, ये जो हमने यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड्स कैलकुलेट किया, वो होगी माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। स्पीड वर्सेस टाइम का अगर कर्व देखें तो हमें ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो यहाँ से हम लोग जो नेगेटिव पार्ट है वीटी कर्व में, उसका मिरर इमेज ले लेंगे। कैसे होगा वो, आइए देखते हैं, ठीक है। ये स्पीड वर्सेस टाइम, ठीक है। सो यहाँ से ये 20 से पहले डिक्रीज करेगा, ओरिजिन पे आएगा, जीरो को आएगा, और फिर ये इंक्रीज करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन लगा ही जा रहा है और वेलोसिटी और स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये वैल्यू 20 और ये वैल्यू 30 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब फाइनली आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एस एंड टाइम। सबसे पहले सपोज ये ये 25 मीटर्स पे था, ठीक है। 25 मीटर से ये इंक्रीज करता है पैराबोलिकली 45 तक और फिर डिक्रीज करता हुआ जीरो तक आता है। दिस विल बी द पोजीशन टाइम कर्व। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।